बूटी का रोग सुमंदर। एक बार बापू साहब बूटी को अम्लपेट का रोग हो गया। उन्होंने बहुत इलाज कराया परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। रोग की वजह से वह इतने कमजोर हो गए कि अब वह मस्जिद जाकर बाबा के दर्शन कर पाने में खुद को असमर्थ पाने लगे। यह बात बाबा को भी पता चल गई। एक दिन बाबा ने बूटी को अपने पास बुलवाया और पास में बैठाकर बोले, सावधान, अब तुम्हें कभी उल्टियां या दर्द हुई तो समझ लेना तुम्हारा सामना मुझसे है, यह ध्यान रखना। बाबा का संकेत बूटी की बीमारी की तरफ था। बाबा के मुख से निकले उन शब्दों का ऐसा चमत्कारिक प्रभाव हुआ कि बूटी साहब का रोग उसी समय खत्म हो गया और वे पूर्णतः स्वस्थ हो गए। यही बूटी एक बार हैजे की बीमारी का शिकार हो गए। बीमारी के कारण उन्हें बहुत तेज प्यास लगी थी। डॉक्टरों से इलाज कराने पर जब कोई लाभ होता दिखाई न दिया तो अंततः वे पुनः बाबा की शरण में जा पहुंचे और रोग मुक्ति की विनती करी। उनकी विनती सुन बाबा ने कहा, मीठे दूध में अखरोट, बादाम, पिस्ते उबालकर उस काढ़े का सेवन करो। वैसे यह काढ़ा प्राण घातक है परंतु बाबा की आज्ञा थी इसलिए उन्होंने काढ़ा बनाकर सेवन किया तो रोग का समूल नाश हो गया।